नमस्कार सिरासन में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी बड़ी खबर आ रही है सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बड़ी बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीएम गहलोत, सचिन पायलट, अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़के, रघु शर्मा, गोविंद सिंह डोटासरा इस बैठक में मौजूद है। मौजूदा सियासी हालात पर ये तमाम बड़े चेहरे जो है इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान में जो सियासी हलचल देखने को मिली है उसमें एक बड़ा अपडेट आपको ये बता दें कि एक बैठक इस वक्त चल रही है। मौजूदा सियासी हालात पर ये तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। शशि मोहन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, हर एक चीज जो है महत्वपूर्ण, हर एक बैठक, हर एक प्रतिक्रिया, हर कुछ अब महत्वपूर्ण है राजस्थान में। इस बैठक को किस लिहाज से देखा जाए, किस लिहाज से समझा जाए? हेलो शशि मोहन, आप सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, अभी देख लेता ना काम। चलिए शशि मोहन के पास जाएंगे, लेकिन बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और जी शशि मोहन, आप सुन पा रहे हैं तो बताएं कि एक एक हलचल पर जब नजर है तो ये बैठक कितना महत्वपूर्ण और क्या कुछ किस नजरिए से इस बैठक को देखा जाए? राहुल चलिए तो शशि मोहन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सियासी आपाधापी, हर एक हलचल महत्वपूर्ण और एक एक अपडेट जी राजस्थान पर सबसे पहले हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज राजस्थान के सियासी तस्वीर और तकदीर का फैसला होना है। शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि मोहन, जो बैठक हो रही है कितना महत्वपूर्ण और क्या माना जाए कि मकसद क्या कुछ इस बैठक का मनाने को लेकर, बीच का रास्ता निकालने की तैयारी क्या कुछ? देखिए, बैठक का एक चरण पूरा हो गया है। हालांकि सीएम हाउस पर जो बैठक चल रही थी उसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, लेकिन सीपी जोशी के घर जो बैठक चल रही थी वो उसका एक चरण पूरा हो गया है। विधायकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं और उसके बाद शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ में एक प्रतिनिधिमंडल रवाना हुआ है मुख्यमंत्री आवास के लिए, और इस्तीफे देने के घटनाक्रम को मुख्यमंत्री से अवगत कराया जाएगा। सहयोगी सुशांत मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सुशांत, क्या प्रतिनिधिमंडल में धारीवाल और खाचरियावास के अलावा भी कुछ चेहरे शामिल? शांति धारीवाल हैं, महेश जोशी हैं और प्रताप सिंह, तीन अभी नेता गए हैं सीएम हाउस। और पूरा जो घटनाक्रम रहा बैठक का भी, बैठक के बाद का भी, इस्तीफा जो प्रकरण रहा है, क्योंकि इस्तीफे सौंप दिए गए हैं सीपी जोशी को, अब वो स्वीकार करते हैं नहीं स्वीकार करते ये अलग विषय है, लेकिन पूरे मामले को वहाँ चूंकि ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, सचिन पायलट वहीं हैं और रघु शर्मा वहाँ हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा वहाँ पर हैं, उनको पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत कराया जाएगा। और विधायकों का जो डिनर है वो भी सीपी जोशी के आवास पर, सभी के खाने के पैकेट्स यहाँ मंगा लिए गए हैं। अभी इस्तीफा देने के बाद सब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी का जो भाव था वो कंधे थोड़े हल्के हुए हैं, भोजन करने में लगे हुए हैं। सुशांत, विधायक दल की बैठक सीएम हाउस पे बुलाई गई थी, डिनर का इंतजाम वहाँ भी रखा गया था और डिनर यहाँ भी मंगाया गया है, लेकिन निवाला आराम से किसके गले से उतर रहा होगा? सीएम हाउस पे जो लोग सचिन पायलट, मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, खड़गे, माकन, काजी निजामुद्दीन, इनके निवाला आराम से उतर रहा होगा, या फिर जो लोग इस्तीफा दे चुके हैं और सीपी जोशी के घर पे बैठे हैं वो ज्यादा तसल्ली में होंगे? देखिए, निवाला तो किसी के गले से नहीं उतर रहा है, ये परिस्थितियाँ सामान्य परिस्थितियाँ कांग्रेस के विधायकों के लिए, नेताओं के लिए नहीं है। कम से कम एक दिन पहले इस तरह के हालातों का तो किसी ने आकलन नहीं किया होगा। लग रहा था कि अगर सहमति बनाने की कोशिश होगी तो पहले पूछा जाएगा, क्योंकि जो भाव जिसकी बात हम कर रहे हैं कि ऊपर से एक संदेश लेके आने का मैसेज इनके पास था कि यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और इस नेता को हम मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो सबके लिए कठिन था। जो विधायक वहाँ पहुँचे हैं उनमें भी हो सकता है कि वो वहाँ नहीं जाना चाहते होंगे, उनमें से कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो अनमने भाव से गए, जैसे हम वाजिब अली की बात करें या संदीप यादव की बात करें, लाखन मीणा चूँकि घर में जो है अशोक का माहौल है उसके बावजूद आए, लेकिन उसके अलावा भी कई चेहरे थे, प्रताप सिंह को भी हम देख रहे थे कि वो भी इस पूरे घटनाक्रम से कहीं ना कहीं खुश नहीं है। पार्टी की एकजुटता की बात तो वो लगातार कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के सियासी हालात नहीं बने, तो निवाला तो हो सकता है किसी भी नेता के अलग से। बिल्कुल शशि मोहन, निवाला जो है बहुत अच्छी बात कही सुशांत ने कि किसी को इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा होगा। शशि मोहन, दो तीन महत्वपूर्ण जानकारी आप एक बार दीजिए सुशांत से, पूछिए। एक तो इस्तीफे जो सामूहिक तौर पर हुए हैं,
एग्जैक्ट फिगर क्या निकल कर सामने आई, कितने लोग हैं, और महत्वपूर्ण बात यह है कि सीपी जोशी किस संकेत का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस्तीफा उनके पास है, उन्हें संकेत मिलेगा उसके बाद यह तय होगा कि इस्तीफा स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं, तो वो संकेत क्या होगा, कौन वो संकेत देगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। देखिए अभिनव, इससे पहले भी इस्तीफे हुए हैं कांग्रेस सरकार में। एक इस्तीफा हेमाराम चौधरी का हुआ था जब उनके क्षेत्र में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, वो विधायक के नाते धरने पर भी बैठे थे, उन्होंने मेल से ईमेल से अपना इस्तीफा और फैक्स के जरिए सीपी जोशी के यहाँ भेज दिया था, लेकिन तब सीपी जोशी का कहना था कि वो पहले उस इस्तीफे को वेरीफाई करेंगे और उसके बाद में ये तय करेंगे कि क्या इस्तीफा उन्होंने भेजा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर तो इस्तीफा फैक्स या ईमेल से भेजने की बात ही नहीं आई। इससे पहले लालचंद कटारिया ने एक बार इस्तीफा दिया था, लेकिन वो मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप करके हेड़ा खान जो उत्तराखंड में एक जगह है, धार्मिक जगह, वहां पर चले गए थे, अपना फोन बंद कर लिया था, तब भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर नियम कायदों का पालन करते हुए इस्तीफा दिया गया है। जो इस्तीफे का प्रोफॉर्मा हमने दर्शकों को दिखाया उसमें नाम की जगह खाली छोड़ी गई है, सबका प्रोफॉर्मा एक जैसा बनाया गया है, और वो प्रोफॉर्मा ये कह रहा है कि मैं विधानसभा का सदस्य, उसके आगे नाम लिखा हुआ है, और अपने सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और इसे तत्काल स्वीकार किया जाए। ये नियम कायदों के अंदर है, इस्तीफे को स्पीकर स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जो विधायक अशोक गहलोत को अपना नेता मानते हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, उनको AICC अध्यक्ष भी देखना चाहते हैं, लेकिन वो विधायक अशोक गहलोत से पूछ करके इस्तीफा देने क्यों नहीं आए? क्या उनसे पूछा गया? अगर पूछा गया तो क्या उन्होंने सहमति दी? और अगर नहीं पूछा गया तो विधायकों ने ऐसा कदम बिना CM से पूछे, बिना अशोक गहलोत से पूछे क्यों उठाया? अब देखिए हलचल बढ़ रही है। ये प्रताप सिंह खाचरियावास के स्टाफ की गाड़ी है, उनकी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी, क्योंकि वो धारीवाल की गाड़ी में गए थे। अब ये गाड़ी भी CM हाउस जा रही है। सहयोगी सुशांत से बात करते हैं। सुशांत, स्पीकर CP जोशी से कोई नया तारुफ करने की ज़रूरत नहीं थी विधायकों को, लेकिन उन्होंने जो सेट प्रोफॉर्मा होता है उसमें इस्तीफा दिया, तय नियम प्रक्रिया के तहत दिया, तो अब क्या संभावना बनती है कि अभी भी वो अशोक गहलोत से या आलाकमान से बात करके फैसला लेंगे, या जैसे विधानसभा में अपने फैसले खुद लेते आए हैं और ये कहते रहे हैं कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, विपक्ष को भी इस बात को लेकर के तकरार होती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि वो इस मामले में खुद की मर्जी से फैसला करेंगे, क्योंकि ये कोई विधानसभा में किसी एक बिल पर बोलने और रोकने का मसला नहीं है, ये सरकार को बनाए रखने का या जो है मध्यावधि चुनाव की तरफ जाने वाली स्थिति है, तो वो एक अवसर तो निश्चित तौर पे देंगे, क्योंकि यहाँ विधायकों ने अपने इमोशन रखे हैं, वो इस्तीफे एक तरीके से किसी वर्तमान नेता के खिलाफ नहीं है कि हम इनकी लीडरशिप में खुश नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप लीडरशिप मत बदलिए, आप ये फैसला मत कीजिए, अगर आप कोई फैसला कर रहे हैं तो हमसे पूछिए। तो उस फैसले के मद्देनज़र वो अपनी मर्जी बताना चाह रहे हैं कि इस्तीफे के तौर पे उन्होंने ये लिखा है, अगर हम उस भाषा को, आप जो भाषा बता रहे थे उसका भाव क्या है, भाव समझिए, भाव ये है कि अशोक गहलोत CM बने रहे। फिर वही तर्क वितर्क पर बात आ जाएगी कि विधायक कह रहे हैं आप हमारी भावना तो जानते, भावना जानने के लिए आलाकमान ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए थे। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे या अजय माकन इतने कम गंभीर हैं कि उन्होंने इस बात को लीक कर दिया? क्योंकि ये बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के जो नुमाइंदे हैं वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन लोगों के बीच में ही रही होगी। इस पूरे चैप्टर का ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आलाकमान पर इन विधायकों को भरोसा नहीं है? इनके आलाकमान अशोक गहलोत हैं, जो जिस तरीके की बातचीत हो रही है, हमने अंदर संबोधन भी सुनने की कोशिश की थी, विधायकों से भी बातचीत करने की कोशिश की थी, सारी बातचीत आकर एक ही जगह अटक गई है कि ऐसी क्या मजबूरी रही कि अशोक गहलोत नामांकन दाखिल नहीं कर रहे हैं, उससे पहले आपको ऑब्जर्वर भेजने पड़े, ऐसा क्या कारण रहा है कि आपको अशोक गहलोत पर भरोसा? बिल्कुल शशि मोहन, सुशांत जो सवाल उठा रहे हैं अपने आप में बेहद वाजिब सवाल है, और इन्हीं सवालों का जवाब इस वक्त हर एक राजस्थान का शख्स जो है वो तलाश रहा है, इन्हीं सवालों का जवाब जो है हर सिद्धांत जानना चाहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पल पल बदलती है जो घटनाक्रम है, और जिस तरीके से लगातार जो है नए नए अपडेट्स आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, और कुछ भी कह पाना जो है अभी जल्दबाजी कहिए, मुश्किल कहिए, जो भी